हे गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पोको M4 Pro में फोटोज एंड वीडियोस को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको आपके फ़ोन की गैलरी ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद जिस फोटो को भी आप हाइड करना चाहते हैं, आपको उस पर क्लिक करके होल्ड करके रखना है। इसके बाद गाइस, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड टू एल्बम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्राइवेट एल्बम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपको अपने MI अकाउंट से साइन इन कर लेना है। इसमें यहाँ पर गाइस, आप अपने फ़ोन नंबर से भी साइन इन कर सकते हैं, और नहीं तो फेसबुक और गूगल से भी आप साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल लेता हूँ। नंबर डालने के बाद गाइस, एक OTP आएगा, आपको यहाँ पर OTP एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद गाइस, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइज आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पर आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेना है। प्राइवेसी पासवर्ड सेट करने के बाद गाइज, यहाँ पर ये आपको MI अकाउंट ऐड करने के लिए बोल रहा है, ताकि अगर आप फ्यूचर में कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये रिकवर करने के काम आएगा। तो आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद गाइज, आपकी वो फ़ोटो प्राइवेट एल्बम में चली जाएगी और आपकी गैलरी में वो आपको शो नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो फ़ोटो यहाँ से हाइड हो चुकी है और प्राइवेट एल्बम में जा चुकी है। अब गाइज, उस प्राइवेट एल्बम को आप कैसे एक्सेस करेंगे? तो इसके लिए गाइज, आपको गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद गाइज, सिंपली आप फ़ोटो पे होंगे, आपको स्वाइप करना है और एल्बम पे आ जाना है। एल्बम पे आने के बाद गाइज, आपको ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करना है। एंड गाइज, ये प्राइवेट एल्बम आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर गाइज, आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड डाल लेना है। प्राइवेसी पासवर्ड डालने के बाद गाइज, ये आपकी प्राइवेट एल्बम ओपन हो जाएगी। और गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी आपने हाइड करी होंगी तो वो सारी फ़ोटोज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अगर गाइज, आप इन फ़ोटो को अनहाइड करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करके होल्ड करके रखना है आपको, और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा रिमूव फ्रॉम प्राइवेट एल्बम। रिमूव फ्रॉम प्राइवेट एल्बम पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ पर आपको सारे फोल्डर्स हो जाएंगे। जिस फोल्डर में भी आप इनको वापस लाना चाहते हैं तो सिंपली उस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइज, वो फ़ोटो आपकी उस फोल्डर में वापस आ जाएगी। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी फ़ोटो वो गैलरी में वापस आ चुकी है। तो इस तरह से गाइज, आप पोको M4 Pro में फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो आई होप गाइज, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल।